नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम के इस ऑनलाइन पोर्टल पर मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हेल्थ इंडेक्स 2019 को, जिसका कि टाइटल यानी शीर्षक है हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया, यानी स्वस्थ राज्य और प्रगतिशील भारत। तो इसमें जो है हेल्थ इंडेक्स में हम देखेंगे कि किस राज्य का क्या पोजीशन है, हेल्थ इंडेक्स में किसने जो है बेस ईयर से जो है अपने अंक में सुधार किया है, किसके अंकों में गिरावट आई है, इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। परीक्षा के लिए ये बहुत उपयोगी है, ठीक है। तो हेल्थ इंडेक्स की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस चैनल डिकोड एग्जाम पर जो भी वीडियो अपलोड होते हैं उसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए, यानी जिस स्लाइड से मैं पढ़ा रहा हूँ वो अगर आपको चाहिए, तो आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल @DecodeExam को, टेलीग्राम का ऐप जो है डाउनलोड कर लीजिए, उसमें जो है ये लिखिए @DecodeExam, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिए। उस चैनल पर टेलीग्राम के सारे पीडीएफ जितने भी लेक्चर कंडक्ट होते हैं उनके टाइटल्स को शामिल करते हुए सभी पीडीएफ इस टेलीग्राम चैनल पर अपलोड होते हैं, ठीक है। तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए, ये जो हेल्थ इंडेक्स 2019 है, ये दूसरी रिपोर्ट है, ठीक है, और ये अभी कल ही 25 जून 2019 को जारी की गई है। उसका देखिए यहाँ पर एक फोटो लगा हुआ है, राजीव कुमार जो कि उपाध्यक्ष हैं नीति आयोग के, उनका चित्र है, और जो है अमिताभ कांत जो CEO हैं नीति आयोग के, ये भी दोनों फैक्ट जो है आपके एग्जाम के लिए जरूरी हैं, ठीक है। नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है और नीति आयोग का CEO कौन है, और मुझे कमेंट में बताइए कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, ठीक है। तो ये आप चित्र में देख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 25 जून 2019 को नीति आयोग ने विश्व बैंक और स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट 2019 जारी की है, ठीक है। तो हेल्थ इंडेक्स कौन जारी करता है, इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। उसका उत्तर जो है पहले ही लाइन में लिखी हुई है, ठीक है। तो ये हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट नीति आयोग जारी करता है, इसमें मदद लिया गया है विश्व बैंक और स्वास्थ्य मंत्रालय का, आपने जो है फर्स्ट पेज पर लोगो भी देखा होगा, ठीक है। तो इसका शीर्षक क्या रहा, टाइटल क्या रहा, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही आपको बताया, हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया, ये भी आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछा जा सकता है, ठीक है। यह इंडेक्स 2017-18 के राज्यों के स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रदर्शन के आधार पर तैयार की गई, जिसमें राज्यों को 100 में स्कोर प्रदान किया गया, ठीक है। तो इसको जो है 100 नंबर कुल रखे गए, 100 नंबर बनाए गए, और पैरामीटर्स बहुत हैं, अभी उसको मैं आपको दिखाता हूं कि किन किन पैरामीटर्स पर ये जो है 100 नंबर डिसाइड किए गए। तो 100 नंबर रखे गए और उस 100 नंबर के रैंक पर जो है राज्यों को रैंकिंग दी गई, और ये पैरामीटर्स क्या थे उनको देख लीजिए। तो रिपोर्ट तैयार करने में शामिल किए गए प्रमुख मानक, ठीक है। तो क्या क्या है कि ये राज्यों की रिपोर्ट की बात हो रही है, तो किस राज्य में नवजात मृत्यु दर क्या है, प्रजनन दर क्या है, मातृत्व मृत्यु दर क्या है, जन्म के समय लिंगानुपात क्या है, जो है स्त्री मतलब लड़की लड़का की बात हो रही है, टीकाकरण की स्थिति क्या है उस राज्य में, टीका समय समय पर जो है दिया जाता है या नहीं, क्षय रोग के उपचार की स्थिति वहां पर क्या है, एड्स रोगियों के उपचार की स्थिति वहां पर क्या है, स्वास्थ्य अधिकारियों के पद धारण की अवधि वहां पर क्या है, ये बहुत सारे पैरामीटर्स रहे। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के भरे पदों की स्थिति क्या रही, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जितने जो है स्वास्थ्य कर्मी चाहिए उतने स्वास्थ्य कर्मी उपलब्ध ही नहीं है, यहां तक आपको मैं बताऊं कि इतने पैरामीटर्स हैं,
50 पैरामीटर्स, जिसमें से एक पैरामीटर्स ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कितने थे। तो उसमें ये है कि स्वास्थ्य कर्मियों को समय पर सैलरी मिलती है कि नहीं मिलती है उस राज्य में, तो ये सारे पैरामीटर रहे, ठीक है। इसी के आधार पर जो है नंबर दिया गया, ठीक है। तो इससे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये दूसरी रिपोर्ट है, तो 2015-16 में एक रिपोर्ट जो है जारी की गई थी, ठीक है, उसी को हम बेस ईयर यहाँ कहेंगे। 2015-16 में जो रिपोर्ट जारी की गई थी उसे हम बेस ईयर कहेंगे, और फिर ये जो है रिपोर्ट जो आई है। तो इस रिपोर्ट में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कुल 3 श्रेणियों में बांटा गया, राज्य 21, छोटे राज्य 8 और 7 केंद्र शासित प्रदेश। तो यहाँ एक बात आपको बताऊं कि इस रिपोर्ट में राज्यों को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो कौन कौन से, तो 21 बड़े राज्यों के लिए अलग इंडेक्स और 8 छोटे राज्यों के लिए अलग इंडेक्स है, ठीक है। तो यहां पर प्रश्न ये उठता है कि राज्यों को, हालांकि केंद्र शासित प्रदेश तो अलग रहेगा ही, उसकी बात हम नहीं कर रहे, लेकिन जब 29 स्टेट्स हैं इंडिया में तो उनको 2 भागों में क्यों विभाजित किया गया। एक 21 बड़े राज्यों के लिए अलग रिपोर्ट बन रही है और 8 राज्यों के लिए जो छोटे हैं अलग रिपोर्ट बन रही है, तो इसका क्या कारण है, तो इस पर हम थोड़ी जो है चर्चा कर लें ताकि एक आपकी अंडरस्टैंडिंग हो। ओवरऑल इनको निकाल देना था 29 स्टेट्स का, लेकिन ये 21 का अलग और 8 का अलग निकाल है, तो ऐसा क्यों। तो देखिए, जो ये 21 बड़े राज्य हैं उनके मुकाबले जो 8 छोटे राज्य हैं, ठीक है, तो यहाँ जनसंख्या में बहुत बड़ा अंतर है, बड़े बड़े स्टेट हैं, बहुत अधिक जनसंख्या है। उसके अलावा भौगोलिक स्थिति की बात करें तो जो 8 छोटे राज्य हैं आप देखेंगे तो ज़्यादातर पूर्वोत्तर के राज्य हैं जो है, जिनका क्षेत्रफल भी कम है, पहाड़ी इलाके ज़्यादा हैं जो है। उसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुँच कितनी है, और उसके अलावा जो है मानव संसाधन की बात है, तो छोटा राज्य है, कम मानव संसाधन है, तो ये तमाम जो है डिफरेंसेस थे, और इस आधार पर जो है उन छोटे राज्यों को अगर इस रिपोर्ट में एक साथ जो है रख दिया जाता तो क्लियर पिक्चर उन 8 राज्यों की निकल करके नहीं आ पाती, और इसलिए उनको जो है अलग और 21 बड़े राज्यों को अलग रखा गया है, जैसा कि मैंने बताया, और केंद्र शासित प्रदेश तो अलग है ही, ठीक है। तो 3 श्रेणियों में इसे जो है बांटा गया है, ठीक है। तो अब आगे बढ़े, ये इस पर हमने बात की कि क्या क्या प्रमुख जो है इसके पैरामीटर्स रहे। तो अब जो है परीक्षा में जो प्रश्न आ सकते हैं, तो ये फैक्ट बुक आपके सामने है, अब जो है इसको समझ लीजिए। तो हेल्थ इंडेक्स 2019 में टॉप 5 राज्य कौन से रहे, ठीक है। अब देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये बेस ईयर है, यानी 2015-16, और जो है ये लेटेस्ट का जो अभी 25 जून को रिपोर्ट आई है, यानी कल, यानी 17-18 का, ठीक है। तो केरल को अगर हम देखें तो केरल का पिछला स्कोर यानी 15-16 में 76.55 था, और अब 2017-18 में कितना हो गया, तो 74.01, यानी कि हम अगर केरल की बात करें तो 2.5% की गिरावट यहां पर जो है, 2.5 अंकों की या परसेंट में की गिरावट हमें देखने को मिल रही है, ठीक है, कम हुआ है 2015-16 से 2017-18 में कम हुआ है। आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश ने बहुत अच्छी बढ़त दिखाई है, ठीक है। 15-16 में ये 60 था और अब कितना हो गया, 65.13 हो गया, ठीक है। तो ये अच्छी ग्रोथ कही जाएगी आंध्र प्रदेश की। उसके अलावा महाराष्ट्र की अगर बात करें तो 63.99 2017-18 में, और जो है 61.07 15-16 में रहा। उसके अलावा गुजरात की अगर हम बात करें तो 63.52, और पहले कितना था, 61.99। उसके बाद अगर पंजाब की बात करें तो इस बार जो है 63.01 और पहले 65.21 था। तो पंजाब में क्या हुआ, कमी हो गई, केरल में क्या हुआ, कमी हुई, ठीक है। तो इस प्रकार से
ये रहा इसका पूरा, मैं आगे आपको जो है और भी डिटेल चार्ट दिखाता हूँ इसमें। तो मान लीजिए हमने 5 स्टेट्स को रखा है, इन जनरल जो है टॉप 5 पूछा जा सकता है, उससे अधिक नहीं पूछा जाता, ठीक है। तो ये टॉप 5 राज्य आपके सामने रहे, ठीक है। अब जो है नीचे से यानी न्यूनतम स्कोर वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं उनको हम देख लें। तो 21वें स्थान पर यानी कुल 21 स्टेट है, 21वें स्थान मतलब एकदम सबसे नीचे से सबसे अंतिम, ये है हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश, ठीक है। इसका नंबरिंग कितना है, तो ये जो है 2015-16 में 33.69 था, 2017-18 में कितना हो गया 28.61, मतलब बहुत बड़ी गिरावट। उसके बाद जो है बिहार उत्तर प्रदेश के एक अंक ऊपर है, तो बिहार जो है 38.46 था, अब कितना हो गया 32.11, यानी यहां भी गिरावट देखने को मिली। उत्तर प्रदेश बिहार से एक अंक ऊपर है जो है उड़ीसा, और उड़ीसा 39.43 था, अब फिर गिर करके 35.97 हो गया, ठीक है। तो इसमें भी गिरावट आ गया। और 18वें नंबर पे है मध्य प्रदेश, पहले का इसका अंक था 40.00 और अब हो गया 38.39। और जो है 17वें नंबर पे उत्तराखंड, इसके भी रैंक में गिरावट आ गई, पहले 45.22 था, अब कितना हो गया 40.20%। तो हम देखें तो बेस ईयर से सभी राज्यों में गिरावट हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये हमने क्या बात किया, टॉप 5 और जो है बॉटम 5 की बात हमने की। अब देखिए ये एक जो है बहुत ही सुंदर चार्ट बनाया गया है, ठीक है। इस तरह के जो ग्राफ्स होते हैं उनको आपको जो है देखना चाहिए, एग्जाम के हिसाब से जरूरी भी है। कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं, समय नहीं है, नहीं तो मैं आपसे पूछता। तो इसमें आप देख रहे होंगे अलग अलग रंगों से जो है रेखाएं बनाई गई हैं, लाइन बनाए गए हैं, ठीक है। अगर हम मुख्यतः देखें तो हमें इसमें जो है ब्लू, ग्रीन और ऑरेंज, ये तीन कलर दिख रहे हैं, ठीक है। तो अभी इन तीनों कलर्स को एक बार मैं डिफाइन कर देता हूं, फिर जो है हम बढ़ेंगे। तो इसमें दिखाया क्या जा रहा है, पहले तो ये समझ लीजिए। तो इसमें दिखाया जा रहा है कि कौन से राज्य का कितना नंबर अंक था और वो कितने नंबर पे था। तो 2015-16 में कौन सा राज्य किस नंबर पे था, ठीक है, और उसका ओवरऑल अंक कितना था। 100 में हमने बताया ना कि 100 में दिया जा रहा है, तो ओवरऑल अंक कितना था। और फिर 2017-18 में जो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें जो है उस राज्य का नंबर क्या है, ये बताया गया। अब जैसे फॉर एग्जांपल 2015-16 में हमें दिखा रहा है कि केरला क्या है, एक नंबर पे है, ठीक है। पंजाब 2015-16 में कितना था, दूसरे नंबर पे था। तमिलनाडु किस नंबर पे था, तीसरे पे था। तो अगर हम तमिलनाडु को देख लें या पंजाब को देख लें, तो जो 2015-16 में दूसरे नंबर पर था वो किस नंबर पे आ गया, 5वें नंबर पे आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब देखिए ये कलर क्या बता रहे हैं उसको जो है आप देख लीजिए, समझ लीजिए कि ये कलर हमको बता क्या रहे हैं, ठीक है। तो ये जो ब्लू कलर है वो जहां जहां लगा है उसका मतलब है कि 2015 में भी उस राज्य का वही रैंक था जो कि 2017-18 में भी वही है। तो 2015 में यानी ये नो चेंजर्स स्टेट्स रहे, इन्होंने अपनी स्थिति चेंज नहीं की। जैसे केरला 2015-16 में भी नंबर 1 पे था, और केरला जो है 2017-18 के रिपोर्ट में भी नंबर 1 है। उसके अलावा जो है अगर हम पंजाब की बात करें तो ये गिरा है, हालांकि अभी ब्लू डॉट्स को भी ही देखते हैं। तो गुजरात 4th नंबर पर पहले भी था और इस रिपोर्ट में भी था। जम्मू एंड कश्मीर बेस ईयर में भी यानी 2015-16 में भी वही था, 2017-18 में भी वही था। देख लीजिए जितने नीले हैं, उत्तर प्रदेश 2015-16 में भी सबसे नीचे था और 2017-18 में भी सबसे नीचे है, ठीक है। तो ब्लू लाइन हमें क्या बताती है, नो चेंज, ठीक है।
और अब देखते हैं जो है ऑरेंज लाइन को। तो ऑरेंज लाइन क्या बता रही, पहले ही बता दूं, ऑरेंज लाइन बता रही है कि कौन डिक्रीज हुआ है, किसकी पोजीशन नीचे गई है, ठीक है, किसके रैंकिंग में गिरावट हुई है। तो देखिए सारे ऑरेंज लाइन वही बताएंगे, पंजाब दूसरे नंबर पर था, पांचवें नंबर पर आ गया, तमिलनाडु तीसरे नंबर पर था, नौवें नंबर पर आ गया, उसके बाद हिमाचल प्रदेश पांचवें नंबर पर था, छठे नंबर पर आ गया, छत्तीसगढ़ बारहवें नंबर पर था, तेरहवें नंबर पर आ गया, उत्तराखंड पंद्रहवें नंबर पे था, सत्रहवें नंबर पे आ गया, सब में देख लीजिए। और ग्रीन लाइन हमें क्या बताती है, तो ब्लू लाइन नो चेंज, ऑरेंज लाइन गिरावट हुई है, और ग्रीन लाइन जो है पॉजिटिव जो है वृद्धि दिखा रही है, ठीक है, ऑरेंज गिरावट और जो है ये जो ग्रीन है ये जो है बढ़त दिखा रहे। जैसे देखें महाराष्ट्र जो है 2015-16 में छठवें नंबर पर है, लेकिन जो है यही महाराष्ट्र कहां पहुंच गया, तीसरे नंबर पर पहुंच गया। कर्नाटक की हम बात करें, कर्नाटक 2015-16 में जो है नौवें नंबर पे था, अब कहां पहुंच गया, आठवें नंबर पे पहुंच गया। तो इस तरह से इस पूरे आराम से इसे खुद से भी आप पढ़िए और देखिए, इसमें सारी चीजें जो है लिखी हुई हैं, बहुत अच्छा जो है चार्ट है ये। अब आगे बढ़े हम, ठीक है, अब कुछ जो है इस चार्ट को हमने जो पढ़ा, बहुत सारी बातें की, लेकिन अब उसको हम समराइज करते हैं और कुछ महत्वपूर्ण बातें जो एग्जाम में आ सकती हैं उसको जो है हम देखते हैं, ठीक है। तो इस सूचकांक में बड़े राज्यों में केरल देश का शीर्ष राज्य रहा, ठीक है, तो बड़े राज्यों में केरल क्या रहा, देश में शीर्ष नंबर पर रहा, ठीक है। अगर ओवरऑल की हम बात करेंगे, देखिए बड़े और छोटे दोनों राज्यों की अगर हम बात करेंगे तो मिजोरम सबसे ऊपर रहेगा, ठीक है, इस पे भी आते हैं। अगर हम बड़े और छोटे का वर्गीकरण खत्म कर दें तो पूरे भारत में सबसे अच्छी स्वास्थ्य सुविधा इस रिपोर्ट के आधार पर, इस इंडेक्स के आधार पर जो है 79.97 यानी 80 नंबर के आसपास जो है करीब लेकर मिजोरम इस समय जो है 21+8 इन दोनों वर्गीकृत राज्यों में नंबर वन पर बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद निश्चित रूप से केरला का नंबर आता है। तो बड़े राज्यों में केरला नंबर वन पे है, और जो है अगर बड़े छोटे दोनों राज्यों की बात करें तो मिजोरम नंबर वन पर है, ठीक है। तो इस सूचकांक में बड़े राज्यों में, देखिए यहां स्पष्ट लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत होइएगा, बड़े राज्यों में केरल देश का शीर्ष राज्य रहा, यानी 21 राज्यों में से। हरियाणा ने 2015-16 के मुकाबले यानी 46.97 सबसे तेजी से सुधार करते हुए 2017-18 में 53.51 का स्कोर अर्जित कर 12वां स्थान प्राप्त किया, ठीक है। तो हरियाणा ने सबसे अच्छा जो है ग्रोथ दिखाया है, देख लीजिए, फिर से हम उसी पे लौटते हैं। हरियाणा ने सबसे अच्छा ग्रोथ दिखाया है। हरियाणा कहां था भैया 2015-16 में, तो हरियाणा यहां है, देखिए, ठीक है, 13वें नंबर पे हरियाणा है, और इसका पॉइंट कितना था 15-16 में, 46.97 46.97 था, लेकिन बढ़ करके कितना हो गया 53.51। तो इंक्रीमेंटल वैल्यू, इसको बोल टेक्निकल टर्म दिए हैं, इंक्रीमेंटल वैल्यू, इसने जो है सबसे अधिक उसमें जो है वृद्धि दिखाई, 46 से कहां पहुंच गया 53 पर। तो ये ग्रोथ जो है हरियाणा ने सबसे अधिक किया, यही बात यहां लिखा गया है, ठीक है। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं में लगभग 5 अंकों की कमी दर्ज की गई है, और उत्तर प्रदेश बड़े राज्यों में अंतिम स्थान प्राप्त कर सबसे फिसड्डी राज्य बन गया है, ठीक है। तो जैसा कि हमने बात किया था कि उत्तर प्रदेश सबसे नीचे है, 15-16 में भी नीचे रहा, 17-18 में भी नीचे है। उत्तर प्रदेश 2015-16 में 21वें यानी अंतिम स्थान पे था, और अब भी अंतिम ही स्थान पे था। बिहार 20वां स्थान प्राप्त कर स्वास्थ्य सेवाओं में काफी निचले पायदान पर स्थित है, ठीक है। 7 संघ शासित राज्यों के हेल्थ इंडेक्स में चंडीगढ़ पहले स्थान पर तथा दिल्ली 5वें स्थान पर है, इनका भी इंडेक्स हम देखते हैं। तो संघ शासित प्रदेशों की अभी तक हमने कोई बात नहीं की, तो उसमें जो है यहां पर चंडीगढ़ सबसे ऊपर है और दिल्ली 5वें नंबर पर है। दिल्ली का जिक्र इस नाते से कि दिल्ली जो है देश की राजधानी है और वहां पर ये इतनी खराब स्वास्थ्य की स्थिति बनी हुई है, इस नाते से ये बात हुई है। तो हमें क्या पता चला
कि हमें यह पता चला कि केवल इस एक चार्ट को, इस एक ग्राफ को हम अच्छे से अगर पढ़ लेंगे खुद से 10-5 मिनट जो है लगा करके अपना, तो हमें जो है सब चीजें पता चल जाएंगी। हो सकता है स्क्रीन पर एकदम क्लियर ना दिख रहा हो, लेकिन जब पीडीएफ आप डाउनलोड करके इसको देखेंगे तो सारी बातें एकदम क्लियर इसमें आपको दिखेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब राज्यों की इंक्रीमेंटल रैंक की हम बात कर रहे थे, तो हरियाणा का जैसा कि हमने देखा कि बहुत अधिक वृद्धि हरियाणा ने दर्शाया, उसके बाद राजस्थान ने दर्शाया। तो यह भी आपको पूछा जा सकता है कि इंक्रीमेंटल वैल्यू में जो है कौन सा राज्य सर्वाधिक जो है इंक्रीज कर पाया अपने अंक को। तो पहला जो है हरियाणा रहा, जो कि 12वें नंबर पे है, हमने देखा। राजस्थान दूसरे नंबर पे रहा और हरियाणा से बहुत ही थोड़ा जो है इसका इंक्रीमेंटल वैल्यू रहा, मतलब 6.55 उनका है, 6.30 इसका है, तो बहुत अंतर नहीं है दोनों में। झारखंड ने भी जो है अपना इंक्रीमेंटल वैल्यू में तीसरे नंबर पे है, आंध्र प्रदेश चौथे पे है और असम जो है पांचवें पर है। ये टॉप फाइव है, इनकी रैंकिंग क्या है यहाँ पर जो है लिखा गया है। फॉर एग्जांपल हरियाणा के, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ आप जो है देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हरियाणा का, ठीक है, 12वें नंबर पे। अब आगे आते हैं, इसकी बात हमने कर ली, ठीक है। अब छोटे राज्यों की बात कर ले भैया, बड़े राज्यों में छोटे राज्य गुम हो गए थे, इसीलिए उनको एक में नहीं शामिल किया गया, अलग रखा गया कि ये गुम ना हो जाएं। तो छोटे राज्यों की बात करें, ठीक है, तो छोटे राज्य जो में हेल्थ इंडेक्स, ठीक है, तो मिजोरम नंबर वन पर है भैया, ठीक है, और इनका इंक्रीमेंटल वैल्यू जो है यहीं पर लिख दिया गया है। तो मतलब जो है अपने पिछले प्रदर्शन से इसने कितनी वृद्धि की, 2015-16 के प्रदर्शन से ये जो है इसका, इसके अंदर कितना चेंज हुआ, तो ये तीसरा था। सबसे अधिक चेंज जिस राज्य में हुआ वो राज्य है त्रिपुरा और उसके बाद मणिपुर, इंक्रीमेंटल वैल्यू में चेंज, ठीक है। तो मिजोरम पहले नंबर पे रहा, मणिपुर उसके बाद रहा और मिजोरम ओवरऑल में पहले नंबर पे है, छोटे बड़े राज्य दोनों मिला के, मेघालय, गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, और सबका इंक्रीमेंटल रैंक मतलब जो है ये भी लिखा हुआ है, ठीक है, यहां पर। अब आगे बढ़ते हैं केंद्र शासित प्रदेशों में हेल्थ इंडेक्स 2019, ठीक है। अब केंद्र शासित प्रदेशों की बात करिए तो चंडीगढ़, जैसा कि बताया गया कि केंद्र शासित प्रदेशों में नंबर वन रहा, उस पॉइंट में लिखा गया है, इसका इंक्रीमेंटल रैंक टू रहा, मतलब जो है ये दूसरे नंबर पे सबसे अधिक चेंज हुआ। दादर और नागर हवेली, इसके बाद लक्षद्वीप, इसके बाद पांडिचेरी चौथे नंबर पे, दिल्ली जैसा कि वहां पर लिखा हुआ था पांचवें नंबर पे, ठीक है, अंडमान निकोबार, और सबसे नीचे अगर कोई केंद्र शासित प्रदेश रहा तो दमन और दीव रहा, ठीक है, ये बात हुई। तो कुल मिलाकर के सारी बात हो गई। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। ये लेक्चर आपको जैसा भी लगा होगा उस हिसाब से इसे जो है आप लाइक करें, मन हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ठीक ना लगा हो तब, अगर ठीक लगा हो तो लाइक ही करिएगा, इतनी दया हमारे ऊपर अपनी बनाए रखिएगा, ठीक है। इसको जो है शेयर भी कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे, ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। तो अपना बहुमूल्य समय देकर आपने मुझे सुना, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद।